मुंबई क्राइम ब्रांच ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर फायरिंग की घटना में शामिल दो आरोपियों को सोमवार 15 अप्रैल की देर रात को गुजरात के भुज से गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान 24 साल के विक्की साह गुप्ता और 21 साल के सागर श्री जोगेंद्र पाल के रूप में हुई है। दोनों बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के मसीही के रहने वाले हैं। इन्होंने बताया कि जो बंदूक इन्होंने घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल की थी उसे उन्होंने सूरत की नदी में फेंक दिया था। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी गुजरात के भुज से मंगलवार 16 की रात को 2 बजे हुई है। दोनों को मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया जिसके बाद सुबह उन्हें मुंबई लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके पहले पुलिस ने अनमोल बिश्नोई के उस फेसबुक पोस्ट के आईपी एड्रेस का भी पता लगाया था जिसमें उसने इस घटना की जिम्मेदारी लेने का दावा किया था। पुलिस ने बताया था कि उसका पता पुर्तगाल का पाया गया है। 14 अप्रैल की सुबह करीबन 4:55 पर दोनों आरोपियों ने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर 4 से 5 राउंड फायरिंग की थी जिसके बाद चारों तरफ दहशत का माहौल हो गया था। घटना के बाद यानी 15 अप्रैल की शाम को भाई अरबाज खान ने परिवार की तरफ से एक स्टेटमेंट भी जारी किया था। बताया था कि परिवार इस घटना से स्तब्ध है, घबराया हुआ है, साथ इस घटना को पब्लिसिटी स्टंट बताने वालों को भी करारा जवाब दिया है।